हेलो, हम लोग आज पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ एमीन। तो एमीन में टेस्ट जो है, टेस्ट ऑफ एमीन पढ़ना है हम लोग को। एमीन का टेस्ट में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले सॉल्युबिलिटी टेस्ट, सॉल्युबिलिटी टेस्ट। सॉल्युबिलिटी टेस्ट में कुछ नहीं है, सिंपल है। ऑर्गेन एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब, इसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसमें जो है हम लोग डाइल्यूट HCl डालते हैं, डाइल्यूट HCl डालते हैं। उसके बाद थोड़ा सेक करेंगे, सेक करेंगे तो ये डिजॉल्व हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व हो जाएगा। किसके कारण हो जाएगा? ड्यू टू बेसिक नेचर, डिजॉल्व्ड इन डाइल्यूट HCl। अगर डिजॉल्व हो गया तब तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब एमीन है। डिजॉल्व इन डाइल्यूट HCl ड्यू टू बेसिक नेचर ऑफ, ड्यू टू बेसिक नेचर ऑफ एमीन। ये सब सिंपल टेस्ट है, ये सब प्राइमरी टेस्ट है कि स्टार्टिंग में टेस्ट कर लेंगे क्या हुआ। तो ये सब, इस सब में कुछ नहीं है। सेकेंड हम लोग लेते हैं लिटमस पेपर टेस्ट, लिटमस पेपर टेस्ट में क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन ले लेंगे एक, इसमें लिटमस पेपर ले लेंगे, रेड लिटमस पेपर लेंगे, ठीक है, या ऐसे ले लीजिए रेड लिटमस पेपर, एक बीकर में ले लीजिए, कोई पॉट ले लीजिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, कंडीशन कुछ नहीं है। ये रेड लिटमस पेपर, इतना चौड़ा लिटमस पेपर होता है, ये होना चाहिए खाली। यहाँ तो रेड दिखा नहीं रहे हैं, रेड होना चाहिए, लेकिन रेड लिटमस पेपर, जब लेट रेड लिटमस पेपर होगा इसमें कुछ ड्रॉप ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे तो ये कुछ समय के बाद जो है ब्लू कलर में, ये चेंज इनटू क्या हो जाएगा, चेंजेज लिटमस पेपर चेंजेज इनटू ब्लू कलर। तो जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे लिटमस पेपर चेंज इनटू ब्लू कलर, तो रेड को ब्लू करता है, मतलब ये भी टेस्ट क्या है, बेसिक नेचर का, ड्यू टू बेसिक नेचर। ये सब अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं बेसिक नेचर का टेस्ट है, ठीक है। थर्ड पढ़ेंगे एजो डाइट टेस्ट, एजो थर्ड पढ़ेंगे। इसमें कुछ नहीं था सॉल्युबिलिटी टेस्ट में, कुछ नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए, इसमें डाइल्यूट HCl डाल देंगे, डिजॉल्व हो जाएगा अगर HCl में तो, ड्यू टू बेसिक नेचर कोई भी मिनरल एसिड में क्या होगा, डिजॉल्व होगा। लिटमस पेपर में, लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ ड्रॉप वाटर के साथ डाल दिए तो वाटर पहले डाल देंगे, फिर लिटमस पेपर चेंज इनटू ब्लू कलर ड्यू टू बेसिक नेचर लिख दीजिए, ड्यू टू बेसिक नेचर ऑफ एमीन, बेसिक नेचर ऑफ
नेचर ऑफ एमीन, एमीन के बेसिक नेचर के कारण ये क्या हुआ, रेड टू ब्लू, ये सब स्टार्टिंग टेस्ट है। थर्ड हम लोग पढ़ते हैं, एजोडाइटेस्ट। एजोडाइटेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, तीन गो टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। तो टेस्ट ट्यूब में पहले क्या करते हैं, एक में ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, सेकेंड में हम लोग लेते हैं सोडियम नाइट्राइट, लेंगे नाइट्राइट। थर्ड में लेंगे बीटा नेप्थॉल, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाइल्यूट HCl में डिजॉल्व कर लीजिए, इसको वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर में डिजॉल्व कर लेंगे। इसमें बीटा नेप्थॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, इसमें ये डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ठीक है। तो डाइल्यूट NaOH में डिजॉल्व कर लिए। अब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड NaNO2 प्लस HCl के साथ इसको हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो प्राइमरी जो टेस्ट क्या होगा, एमीन है प्रेजेंट इसमें, अगर एमीन है तो एमीन है NH2। अब इसमें NaNO2 है, इसमें वो NaNO2 है, इसमें HCl भी है। ये रिएक्शन करके क्या देगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड देता है। क्या देता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट देगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये देगा। अब क्या करेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दोनों मिलाने के बाद मिला, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में हम लोग क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन बीटा नेप्थॉल को ऐड कर देंगे। N2Cl है ये, इसमें बीटा नेप्थॉल को ऐड कर दीजिए। बीटा नेप्थॉल का फॉर्मूला क्या होता है, नेप्थलीन, बेंजीन नेप्थलीन होता है, तो बेंजीन नेप्थलीन बना लिए। अब नेप्थॉल है बीटा, तो अल्फा बीटा, तो बीटा पर डाल दिए OH ग्रुप। OH ग्रुप जब डालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, बीटा नेप्थॉल है और अल्फा पोजीशन पर ये बीटा नेप्थॉल है, यहाँ पर ये N2 N डबल बॉन्ड N और इधर बेंजीन रिंग ऐड हो गया इस पोर्शन का, ये वाला, क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, था एसिडिक हाइड्रोजन ये निकल गया HCl के रूप में, और क्या निकला होगा, इसका H, इसका Cl और ये पोर्शन जुट गया, तो HCl निकला होगा। तो यहाँ पर ये जो है यही है एजोडाय, ये क्या कहलाता है, एजोडाय। इसका कलर जो होता है स्कारलेट कलर होता है, स्कारलेट रेड कलर मिल जाता है। इसमें क्या किया हम लोग, एजोडाय टेस्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड में डाइल्यूट HCl डाल दिए, HCl डाले हैं, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, तीनों को ठंडा भी कर देते हैं, आइस कोल्ड में रख दीजिए तीनों, इसको बिकर को जो है आइस कोल्ड में रख दीजिए, ठंडा कर दिए तीनों को, क्या कर दिए,
तीनों को हम लोग आइस कोल्ड में रख दिए। आइस कोल्ड भी रखना जरूरी है, जीरो टू, ये जो रिएक्शन करता है जीरो टू फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पर, जीरो टू फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पर, नहीं तो ये फिर सोडियम नाइट्राइड जो है ऑक्सीडाइज होकर के ये HNO2 ऑक्सीडाइज होकर के HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है, ये टेम्पोररी बनता है HNO2, HNO2 ही रिएक्शन करके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड देता है। इससे बनेगा पहले HNO2, फिर HCl एक्सेस रहता है तो HNO2 प्लस HCl से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। तो ये हम लोग आइस कोल्ड में तीनों को रख लिए थे, आइस कोल्ड में ही फिर मिलाए थे, फिर ये बीटा नेप्थॉल डाले, तो बीटा नेप्थॉल डाले तो स्कारलेट रेड कलर का PPT आया, तो यही स्कारलेट PPT नहीं, ये स्कारलेट रेड कलर का आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड स्कारलेट रेड कलर में चेंज हो गया, मतलब ये एमीन प्रेजेंट है। अभी जो ये सब पढ़े हम लोग सिर्फ एमीन का टेस्ट है कि एमीन ग्रुप है या नहीं है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे किसी टेस्ट से, वो हम लोग पढ़ेंगे। ये अभी तक जो पढ़े ये एमीन का सिर्फ टेस्ट था। थैंक यू।